बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद रानीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वीट पोटैटो खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। शकरकंदी की खीर बनाने के लिए यहाँ पर लिए मैंने शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटोज़, और सबसे पहले मैंने वॉश कर चुकी हूँ, अब मैं इन्हें ग्रेट करूँगी। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक पैन में आमंड्स, चिरौंजी और साथ में ही कुछ पिस्ते भी लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को हम रोस्ट करने के लिए इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप भी देसी घी का ही यूज़ कीजिए। इन चीज़ों को अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये सभी चीज़ें ठीक से फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बारीक वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लिया था शकरकंदी को, और सारे ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद हमने इसमें शकरकंदी ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसे हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। और जैसा कि आपको पता है ये हमने रॉ शकरकंदी ही ली थी, यानी कि कच्ची। अब यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो गई है तो इसमें बहुत थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए पानी। एक बार इसे मिक्स कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्वीट पोटैटोज हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, तो इस स्टेज पर हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितनी ज़रूरत थी इतना मिल्क इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ पर लगभग हमने 1 कप मिल्क इसमें ऐड किया है, और ये 1 शक्करकंदी है। अब इसे इसी तरीके से पकने देंगे, और इसके साथ में ही इलायची पाउडर भी आप इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे टेस्ट के लिए अब हम इसमें बहुत थोड़ी सी जैगरी 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे, यानी गुड़। अब हमारी ये खीर बिल्कुल रेडी है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है। इसके ऊपर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस ये खीर बनकर रेडी हुई है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अब बहुत थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे गुलकंद और ऐसे ही इसे गार्निश करेंगे। गाइज़ मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।